वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन द टॉपिक ग्रीन हाउस. ठीक है, ग्रीन हाउस क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी इंट्रोडक्शन की. इंट्रोडक्टरी पार्ट में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है हमें कि जो ओपन फील्ड कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो ओपनली फील्ड कंडीशन, मतलब कोई ग्रीन हाउस वगैरह कुछ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग कुछ नहीं है, ओपनली आप फील्ड की अगर एक बात करोगे तो वहाँ पे देर इज़ नो कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, आप वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, लाइट कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल आप नहीं कर सकते. ठीक है, बट आप क्या करते हो, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की मदद से आप ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो. ठीक है, देयर फोर ग्रीन हाउस की नीड यहीं पे आई कि क्या करने के लिए, इन फैक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट जो क्रॉप है वो अपना फुल्ली पोटेंशियल दिखा सके. ठीक है, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप. ठीक है, एंड ये क्या करेगा, इंश्योर करेगा द बेस्ट माइक्रो क्लाइमेट अराउंड द प्लांट, सो दैट जो प्लांट है वो अपना फुल्ली पोटेंशियल एग्जिबिट कर सके. नाउ अब हम बात करेंगे, मूविंग ऑन वी विल टॉक अबाउट पॉली हाउस. ठीक है, पॉली हाउस क्या है, ग्रीन हाउस ही मतलब पॉली हाउस उसको बोला गया है, पर वो क्या है, उसकी कैसी कंस्ट्रक्शन है वो अब हम पढ़ेंगे. तो पॉली हाउस इज़ अ स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर लाइक अ बिल्डिंग फॉर ग्रोइंग प्लांट्स अंडर कंट्रोल कंडीशंस. ठीक है, पॉली हाउस कुछ नहीं है, बस एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर होता है लाइक अ बिल्डिंग. ठीक है, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स अंडर कंट्रोल कंडीशंस. ठीक है, और ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको भी ये कंट्रोल कर सकता है. ठीक है, उसी के लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक स्पेशल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं. एंड ये कवर किससे होता है, विद अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सच एज सच परमिट्स द एंट्री ऑफ नेचुरल लाइट. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि इन कंडीशंस को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए, ये जो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर लाइट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनको कंट्रोल कर पाए, एज वेल जो सनलाइट है वो भी अंदर आती रहे, वरना प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा. राइट, आप आर्टिफिशियल मीडियम भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट इट इज़ बेस्ट सूटेड टू यूज़ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल सो दैट जो नेचुरल आपकी लाइट है, सनलाइट है, वो अंदर आ सके, एंड जो अपना प्लांट है, वो क्रॉप है, वो अपना फुल्ली पोटेंशियल जो है एग्जिबिट कर पाए. नाउ मूविंग ऑन, पॉली हाउस को ही ग्रीन हाउस बोला गया है. ठीक है, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस जो है वो सेम थिंग है. Traditionally, the greenhouse were constructed on the wooden frames where glasses was used as a covering material. पहले क्या होता था, जो ग्रीन हाउसेज होते थे उनमें क्या होता था, वुडन फ्रेम से उनकी कंस्ट्रक्शन होती थी. ठीक है, और उन पर क्या लगाए जाते थे, ग्लासेस लगाए जाते थे as the covering material. On the advent of the plastic technology, it became possible to replace the glass with plastic material. ठीक है, अब glasses जो हैं एक तो वो महंगे आते हैं as compared to the plastic, and वो ज़्यादा quantity में भी use होंगे. ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, but अगर आप plastic की बात करो तो वो सस्ता भी होता है and easily मतलब वो purchase कर सकते हो आप. तो इसलिए क्या, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या हुआ, इट बिकेम पॉसिबल टू रिप्लेस द ग्लास विद प्लास्टिक मटेरियल. ग्लास को कैसे, ग्लास विच वाज यूज्ड अर्लियर इन द ट्रेडिशनल एज द ट्रेडिशनल मेथड, पहले जिस ग्लास को यूज़ करते थे वही क्या है, उसको रिप्लेस करके क्या आ जाता है, प्लास्टिक मटीरियल आ जाता है. एज द पॉलीथीन मटीरियल बींग द मोस्ट पॉपुलर, द ग्रीन हाउसेज केम टू बी नोन एज पॉली हाउसेज इन रीसेंट टाइम्स. ग्रीन हाउस एंड पॉली हाउसेज एक ही चीज़ है. इन द ट्रेडिशनल बैक देन, यू नो, इन द प्रीवियस पीरियड और एरा क्या यूज़ किया जाता था, ग्लासेस यूज़ किए जाते थे. देयरफॉर इट वाज नोन एज द ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउसेज मतलब वुडन फ्रेम्स से ग्लासेस जो है उनको अटैच किया जाता था. बट अभी क्या है, उन ग्लासेस को रिप्लेस करके क्या यूज़ करते हैं, हम प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते हैं. देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉली हाउसेज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग अ लो कॉस्ट पॉली हाउस, मतलब कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं एक लो कॉस्ट पॉली हाउस. ठीक है, a greenhouse should be designed to withstand the load of the covering material. ठीक है, other structures component, wind velocity, intensity of rain, hanging vanes including in the poly house etc. अब आप कोई भी प्लास्टिक या फिर कोई भी मटीरियल जो है वो नहीं लगा सकते. ठीक है, पर्टिकुलरली आपको वही मटीरियल यूज़ करना है एज द कवर जो कि इन सब फैक्टर्स को रिसिस्ट कर पाए. ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ रेन है उसको झेल पाए, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है या फिर विंड वेलोसिटी है उसको झेल पाए, या फिर हैंगिंग वेट्स इंक्लूडिंग इन द पॉली हाउस, जो भी आप उसके साथ लटकाओगे या कुछ भी है उनका वो सब बोझ वगैरह उठा पाए, ऐसा कुछ आपको कवरिंग मटीरियल यूज़ करना है. एडिक्वेट क्वान्टिटी ऑफ सनलाइट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, अब पता नहीं आप क्या मटेरियल यूज़ करोगे, है ना, वो तो डिपेंड करेगा, मतलब क्रॉप की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी ऑन द